मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है। तो सर तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा, और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है, 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। सर दूसरी तरफ आपने दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनके पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उसके बाद सर जो अन्नदाता हैं वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है, आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे, आप वो सर, आप देखिए एक मिनट, हाँ चलिए, मैं आपको फैक्ट बताता हूं पर आपके माननीय सदस्यों को कह दें वो सदन पर आरोप नहीं लगा। स्पीकर सर हुआ क्या, वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया, मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने के दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर, अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया
तब दरवाजे पार्लियामेंट के संसद के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है, और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज प्लीज, नो प्लीज प्लीज, एक मिनट प्लीज। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन होता है। नंबर एक, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। हाँ, और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं था, कोई बात नहीं। बट सर प्लीज, नो माने सर, आप मत बोलिए, आपके नेता बोल रहे हैं। तो स्पीकर सर, ये आपको बेटे बेटे कौन से करने का अधिकार है? माननीय माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं इधर के लोग क्यों कमेंट्री कर रहे हैं? सर हम चाहते थे, हम हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।